YouTube चैनल में कहता सब होंगे बहुत खैरियत से दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने कहा था कि यार चैनल सब्सक्राइब कर दें, मुझे नहीं पता किया होगा सब्सक्राइब, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ iPhone 12 Pro Max लेकिन क्लोन। तो दोस्तों ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, पता होने के बावजूद कि ये कॉपी है और एक हैंगी सा एक्सपीरियंस आ रहा है इसमें। क्या इसके सच हैं और क्या इसकी बुराइयाँ और क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, वो सब तो यार आपको इस वीडियो में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले यार आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, मुझे पता नहीं करेंगे सब्सक्राइब, दस सब्सक्राइब ना भी करें यार। चाहता हूँ कि जो इंस्टाग्राम का मेरा पिछला पेज था वो यार हैक हो चुका है, ठीक है, तो मैंने नया लिंक दिया अबाउट में, जाके आप देख सकते हैं, तो वो जाके आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या है इसने iPhone 12 Pro Max में 512 GB की रैम के साथ हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। लेकिन यार इसकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी यार, इसका ना एप्पल जो है ना वो बहुत ही लाइट्स है ज़रूर, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, है ज़रूर लेकिन है बहुत ज़्यादा लाइट्स है, ठीक है। तो क्या क्या सी स्पेसिफिकेशन हैं वो सारा कुछ भी देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके यार ऊपर और साइडों से यार जो बेजल है यार वो तो मुझे बहुत अच्छे लगे, बिल्कुल थोड़े थोड़े से हैं, लेकिन हाँ भाई जो नीचे वाला बेजल है ना ये थोड़ा सा चौड़ा और मोटा सा है। तो सबसे पहले तो यार मैं इसका जो पासवर्ड है वो एक मिनट, उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फिलहाल अभी यहाँ पर टिकटॉक और एक यूट्यूब ऐप ही की हुई है, मैंने बेसिकली इसको मोबाइल फ़ोन के ले लिया है। और इसमें मैं आपको बता दूँ ड्यूल सिम की जो आपको ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगी। बैक की अगर मैं बात करूँ, इसके कैमराज की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हमें कैमरा का जो मुझे साइज़ लगाना वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि ये तुर्कीश कॉपी नहीं बल्कि चाइनीज कॉपी है। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं, जितना आप इसको समझेंगे उतना आप समझते जाएंगे। तो बात मैं करता हूँ इसकी सेटिंग्स की, अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से आप में से काफ़ियों को पता होगा कि इसकी जो रैम वगैरह ये शो कराता है 512 GB शो कराता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ, 512 GB जो स्पेस है वो कराता है यार, जितने का मोबाइल है उतने में तो यार इतनी रैम भी नहीं बनती होगी। तो और अगर मैं इसकी बात करूं तो यार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पर फेक देखने को मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बैटरी में जाता हूँ तो हमें यहाँ पर एक लो पावर मोड देखने को मिलता है, जिसको दुबाने और ना दुबाने से बैटरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी जो चेंजेस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। तो बैटरी यूजेस की अगर बात की जाऊँ तो यहाँ पर यार पता नहीं बिल्कुल थोड़ा अजीब सा कुछ बैटरी स्टेटस, पावर प्लग और बैटरी लेवल 98 इस तरह की। लेकिन अगर यार वैसे बात करूँ तो यार सेटिंग्स बिल्कुल आईफोन की तरह बनाई हुई हैं, जो आईफोन इस्तेमाल करता है उनको इस चीज़ के बारे में इलम होगा। और यार एक जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात कि इसका जो ऐप स्टोर है वो वर्क नहीं करता, एक जगह पर आकर ना मतलब कि बंद हो जाता है, इसमें आपको प्ले स्टोर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो लोग तो यार बहुत ज़्यादा खुश होंगे जो एप्पल के प्ले ऐप स्टोर से परेशान है, वहाँ आपको अजीबोगरीब ऐप्स देखने को नहीं मिलती, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको प्ले स्टोर भी देखने को मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा फेक लगता है। लेकिन अगर आप इसको जैसे मैंने अंदर छुपा के रखा हुआ है, आप भी इसको अंदर छुपा के रख सकते हैं। दोस्तों बात की जाए अगर इसके कैमरा की, तो मैं इसका कैमरा जो है आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें कोई भी आपको जो स्लोमो है वो देखने को नहीं मिलता, इसके अलावा जो टाइम लैप्स है और इस तरह की सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ डमी है। अगर आप इसको स्लोमो पे करते भी हैं तो जो आम वीडियो होती है जिस स्पीड से वही बनती है, इसमें आपको कोई भी जो स्लोमो वगैरह है यहाँ पर हमें वो देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर आप देखते हैं पिक्चर क्वालिटी वगैरह तो मुझे ठीक ही लगी जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है। आप लोगों को पता है चाइनीज़ जो कॉपी है वो 12 से 16 हज़ार रुपये में है और जो तुर्किश कॉपी है वो तकरीबन 20 से 21 हज़ार रुपये की है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ ये वाली जो कॉपी है ये चाइनीज़ कॉपी है। दोस्तों कुछ कड़वे सस्ते बता दूं कि इसके जो जो चमचमाते हुए साइड से कॉर्नर्स हैं, इसकी एक हकीकत ये भी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है मेरे पे थोड़ा सा यहाँ पर उतर चुका है, क्योंकि यार स्टेनलेस स्टील बनाना कोई मजाक नहीं है, ओरिजिनल आईफोन में उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर एक पेंट हुआ है जो मुझे यार अच्छा नहीं लग रहा, मेरे से थोड़ा सा उतर गया है चार्जिंग के दौरान, यहाँ पर जो है वो उतर गया था मेरे से। और अगर मैं कैमरा के लेंसेज की बात करूँ तो यहाँ से भी थोड़ा सा जो कलर है वो मेरे से उतर चुका है। तो अगर आपने भी यार इसको बाय करना है तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई प्रोटेक्टर या फिर बैक कवर वगैरह इसका ज़रूर लगा लेना।
दोस्तों जरा इसकी जो सिम ट्रे है उसकी बात कर ली जाए। मेरे पास कोई पिन नहीं था, सिम इंजेक्शन 2 नहीं था, तो मैंने ये पिन ले ली है और इसको निकालने के लिए पिन डालते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको ड्यूल सिम की ऑप्शन मिल सकती है। आगे पीछे करके जो सिम्स हैं वो लग जाती हैं। मैंने फिलहाल अभी यूफोन की सिम डाली हुई है और बिल्कुल मतलब कि ओरिजिनल है। स्लिम स्लॉट भी आपको कोई बड़ा सा देखने को नहीं मिलता। ये बात इसकी अजीब है कि इसमें 2 सिमें हमें देखने को मिलती है, जबकि ओरिजिनल आईफोन में हमें एक ई सिम और एक फिजिकल सिम देखने को मिलती है। एक चीज़ जो मुझे इस मोबाइल के बारे में अच्छी लगी वो इसकी जो रेजोल्यूशन है, इसकी क्वालिटी है स्क्रीन की, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बेसिकली मैं आईफोन 7 इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे यार ऐसा कोई फील नहीं आया कि इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है। डॉटेड डिस्प्ले है, मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा एचडी डिस्प्ले लगा है इसका, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी। लेकिन अब बात है कि यार बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ने क्या बोला है, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ने इसको अच्छा बोला है। भाई मैं भी एक कोशिश की है आप लोगों को बताने की कि यार किस तरह का यार ये बेसिकली फ़ोन है। दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार चीज़ मेरे ख्याल से कोई भी गलत नहीं होती, आपकी जो ज़रूरियात है उस पर डिपेंड करता है। अगर तो यार आप एक टिकटॉकर हैं या फिर एक यूट्यूबर हैं मेरी तरह, तो फिर तो यार मेरे ख्याल से आप इसको बाय करने के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कूल फीलिंग आती है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, एक आम नज़र से बंदा बता नहीं सकता कि ये कॉपी है या ओरिजिनल है, लेकिन मैं अगर इसका अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, अपनी राय दूँ, तो उतना हैंगी एक्सपीरियंस मुझे देखने को नहीं मिला जितना मतलब कि यूट्यूबर्स और दूसरे लोगों ने बताया है। मैं ये बात सीधी कह रहा हूँ कि मुझे उतना जो हैंगी एक्सपीरियंस है वो देखने को नहीं मिला, मतलब कि चलते चलते कहीं अटक जाना या फिर बिल्कुल ही मतलब कि बंद हो जाना, तो इस तरह की चीज़ का तो भाई मुझे कोई सामना करने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, आपको ये बात ज़रूर बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ एक मोबाइल ढूंढ रहे हैं और इसको ही अपना जो मोबाइल फ़ोन है इसको करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यार ये सोचना आपका गलत है कि आप सारा कुछ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारा कुछ मतलब कि इसमें डाउनलोड करके इंजॉय करोगे, तो भाई ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि इतनी बार चीज़ें सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये 16 GB है, 1/16 ही आता है बेसिकली, तो इतनी बार चीज़ें तो यार सीधी बात है जो सपोर्ट नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उसकी प्राइस के बारे में पूछते हैं कि कहीं 21,000 रुपये का भी है, कहीं कहीं 25 का ही बिक रहा है, कहीं 18 का ही बिक रहा है। तो दोस्तों 2 वेरिएंट्स हैं इसके, एक चाइनीज़ कॉपी कहते हैं और एक तुर्किश कॉपी कहते हैं। जो चाइनीज़ कॉपी है वो आपको 12,000 से 16,000 रुपये में बॉक्स पैक मिल जाएगी, और एक होती है तुर्किश कॉपी जो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी होती है, उसका कलर वगैरह और ज़रा रैम रूम वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो वाली जो कॉपी है वो आपको 20-22,000 रुपये में, तो मतलब कि वो थोड़ी महंगी हो जाती है। लेकिन यार मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वो वाली कॉपी लेंगे 20-22,000 रुपये तक जाने से, अच्छा तो यार बंदा कोई दूसरा मोबाइल वगैरह ले लें ना, इन्फिनिक्स वगैरह ज़्यादा रैम वाला। तो ये अगर आप सेकंड हैंड ढूंढते हैं तो आपको सस्ता मिल जाता है, अगर आप पिन पैक ढूंढते हैं तो आपको 15 से 17-18 मतलब कि इतने की रेंज में आपको ये वाला जो मोबाइल फ़ोन है देखने को मिल जाएगा। तो एंड पे मैं यही कहूँगा, हाँ शायद मैं थोड़ा लेट हूँ इसको बनाने में, काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन भाई मेरे हाथ में भी लगा, तो मैंने कहा चलो यार मैं भी क्यों ना आप लोगों के लिए जो वीडियो है उसको बनाऊँ। तो मुझे तो यार वैसे अच्छा फ़ोन लगा, मैं भी ज़रा फ़ोन वगैरह के लिए 1-2 महीने उसको अपने पास रखूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, मूड पर डिपेंड करता है, अगर दिल कर रहा है तो लाइक कर सकते हैं। मुझे पता है वीडियो आगे ही बहुत ज़्यादा जो है लंबी हो चुकी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, वक्त का अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।